ऑल राइट, तो आज के इस वीडियो का इंस्पिरेशन भी है मेरे प्यारे टीम मेंबर्स गौरव और जय। गौरव बेसिकली उनको चाहिए एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे शूज के बारे में बताऊं जो आप मॉनसून में या रेनी सीजन में पहन सकते हो भारत में। क्योंकि देखो, अब बाकी सारे प्लेसेस का तो पता नहीं, लेकिन बॉम्बे में जो बारिश होती है भाई, अगर बारिश हुई तो वो बहुत बेकार। अब इतनी भारी और इतनी गंदी बारिश कि आप बाहर जाने की सोच भी नहीं सकते, और अगर बाहर गए भी तो फिर गुड लक विद दैट। तो अब इनको वीडियोस बनाना पसंद है, तो इनको एडिट करना पसंद है, अब इनको आना है ऑफिस, क्योंकि ऑफिस नहीं आ सकता, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन इस काम को स्मूथली, स्टाइलिशली और इफेक्टिवली करने के लिए इनको चाहिए एक मॉनसून शू। और विच मेक्स मी थिंक, विच मेक्स मी रियलाइज कि भाई शायद आपको भी चाहिए होंगे कुछ ऐसे कमाल मॉनसून शूज दैट यू कैन वेयर ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, ताकि आपका मॉनसून स्टाइल भी बिगड़े नहीं और आप सुपर स्टाइलिश, सुपर सेक्सी हमेशा दिखते रहो। तो अगर आपकी समस्या है आपके मॉनसून शूज, दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट विद इट। जेंटलमैन, मेरा नाम है मंगलाचार्य, यह है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स गेट यू सम मॉनसून शूज। इंट्रो। ऑलराइट, तो सबसे पहली बात, बिफोर आई जंप इनटू फोर डिफरेंट या फाइव डिफरेंट मॉनसून शूज, आपको पहली बात यह समझनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा कि भाई मेरा बजट कितना है, और दूसरा मेरा लाइफस्टाइल क्या है। क्या मैं कॉलेज में पढ़ने वाला बंदा हूँ जो भाई कैजुअल स्टाइल, थोड़ा कूल, थोड़ा हिप दिखना चाहता है, ऐसा छपरी टाइप नहीं जो केटीएम में घूमता हो अपने स्लीवलेस पहन के, बिना हेलमेट के चप्पल में। इफ़ यू रियली आर अ गुड स्टाइलिश गाय इन कॉलेज हु रियली टेक्स केयर ऑफ हिज हेयर इवन व्हेन ही इज राइडिंग अ सुपर सेक्सी बाइक, एंड इफ यू रियली वांट टू लुक सुपर सेक्सी राइडिंग अ सुपर सेक्सी बाइक, देन व्हाट वुड बी दैट शू यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन ड्यूरिंग द मॉनसून। ऐसा कौन सा जूता है भाई कि जो मैं अपने बाइक के साथ, अपने बस में, अपने ट्रेन में, अपने कोई भी कॉलेज के रूट में या ट्रैवल में पहनूं, विच विल मेक मी लुक वेरी स्टाइलिश और मेरे जूते का बैंड नहीं बजेगा। दैट इज़ वन ऑफ योर क्वेश्चन। और दूसरी बात, मेरा बजट कितना है और मेरा खुद का लाइफस्टाइल कैसा है। अगर मैं एक पार्ट टाइम जॉब करता हूं तो शायद मेरे पास कुछ पैसे होंगे टू इन्वेस्ट इन अ शू। अगर मैं अपने घर से पॉकेट मनी लेता हूं तो शायद मैं उतने पैसे अपने शूज पे खर्चा ना कर पाऊँ। दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, दीज थिंग्स यू हैव टू नो फॉर द वेरी फर्स्ट। क्योंकि देखो, अगर आप ये बात समझे नहीं, अगर आप ये बात जान नहीं, तो आप फिर कमेंट करोगे वीडियो में, बोलोगे कि भाई इतने महंगे जूते तो मैं खरीदूंगा ही नहीं। दैट्स नॉट द पॉइंट। आपको सबसे पहले अपनी बजट और अपना लाइफस्टाइल समझना, उसके हिसाब से महंगा सस्ता जूता जो भी मिले आपको लेना। तो अब आपने ये बात सॉर्ट कर लिया, अब आपने ये बात क्लियर कर लिया कि भाई मेरा बजट ये, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है, तो अब मैं कौन से कैसे जूते लूँ। तो फिर अब हम चार या पाँच ऐसे समर शूज के बारे में, मॉनसून शूज के बारे में बात कर सकते हैं। अब इसमें से सबसे पहला, सबसे इजी और सबसे कैजुअली गुड लुकिंग मॉनसून शू दैट यू कैन बाय एंड यू कैन वेयर इज योर कैनवस स्नीकर। अब देखो, अब अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप चाहो तो कोई ब्रांडेड कैनवस स्नीकर ले सकते हो। अगर आपके पास थोड़े कम पैसे हैं तो आप बाटा का नॉर्थ स्टार हो गया, या फिर ऐसे तीन चार वैसे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जो बजट फ्रेंडली ब्रांड्स हैं, जिनके बहुत अच्छे अच्छे कैनवस स्नीकर आते हैं, आप वो ले सकते हैं। क्योंकि देखो, बात क्या है, कैनवस एक कपड़ा है, कपड़े को साफ करना बहुत आसान है, कपड़े को मॉनसून में मेंटेन करना बहुत आसान है, अनलाइक लेदर और एनीथिंग एल्स। स्वेड लेदर का स्नीकर मत लेना, जेन्युइन लेदर का स्नीकर मत लेना। अगर आप स्नीकर या फिर अगर आपको कैनवस टाइप के कोई भी शू लेने हैं तो प्लीज़ मेक श्योर वो कैनवस का ही है, उसमें कपड़ा है, उसमें कोई टाइप का भी लेदर नहीं है। नॉर्थ स्टार या कॉनवर्स ऑल स्टार आपको डिस्काउंट में कुछ 700-800 रुपये से या 1500 रुपये तक मिल जाएंगे, अगर आपके पास 2-3 हज़ार रुपये हैं शूज़ के लिए। अगर 2000-1500 रुपये भी है शूज़ के लिए, तो मैं चाहूँगा आप दो ऐसे शूज़ ले लें, दो अलग अलग कलर के, क्योंकि अगर एक गंदा हो गया, एक थोड़ा गीला हो गया, तो आप उसको धो के सूखने दे सकते हैं, आप दूसरा उस टाइम के लिए पहन सकते हैं, कुछ टाइम के लिए पहन सकते हैं, फिर वो गंदा हो गया, फिर आप रोटेट कर सकते हैं अपने प्यारे स्नीकर्स अपने सेक्सी आउटफिट्स के साथ। अब देखो, अब ये ब्लैक हो, वाइट हो, ब्लू हो या ग्रे हो, इसको धोना, मेंटेन करना और साफ रखना बहुत आसान है, क्योंकि ये कपड़ा है। आपको एक टूथब्रश लेना है, टूथब्रश के साथ सर्फ एक्सेल से आपको अच्छे से धो लेना है, प्लेसेस निकाल के उसको अच्छे से धो लेना है, सूखने दे दो, हो गया आपका काम। आपको धूप में देना है धूप में दो, धूप में नहीं देना है मत दो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लेदर इज अ होल डिफरेंट बीस्ट टू ट्रीट ऑल टुगेदर। लेकिन अगर आप ऐसे टाइप के लड़के हो जो बाहर कुछ ज़्यादा जाता नहीं है, जिसका काम बस घर के आसपास ही होता है, और उसको कैजुअल स्टाइल है, उसको ऐसे कैनवस स्नीकर्स में कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, तो फिर आप एक अच्छा सा प्यू लेदर या सिंथेटिक लेदर का फ्लिप फ्लॉप ले सकते हो, या फिर कैनवस का फ्लिप फ्लॉप भी ले सकते हो, जस्ट फॉर योर कूल कैजुअल एरेंस। क्योंकि देखो, फ्लिप फ्लॉप का एक प्रॉब्लम है, वो पानी बहुत उड़ाती है और आपके पैंट्स या आपके चीनोज बहुत आसानी से काफ़ी गंदा कर सकती है। दैट्स वन रीज़न आई वुड वॉन्ट यू टू बी वेरी अवेयर ऑफ द ट्राउजर्स एंड पैंट्स यू वेयर ड्यूरिंग द मॉनसून। अगर आपको भाई मॉनसून के रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखनी है कि भाई कौन से पैंट्स, कौन से शर्ट्स, कौन से कलर्स पहनने चाहिए मॉनसून में, लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। लेकिन हाँ, प्यू लेदर या सिंथेटिक लेदर का फ्लिप फ्लॉप या फिर कैनवस कपड़े का फ्लिप फ्लॉप कैन बी वेरी गुड इफ़ यू आर नॉट इन टू गोइंग आउट मच, और अगर आप कॉलेज वगैरह में अपने कैनवस कैजुअल स्नीकर्स नहीं पहनते हो तो। क्योंकि देखो, बहुत सारे ऐसे लड़के, मी इंक्लूडेड, जिनको ये कैनवस
स्नीकर वाला स्टाइल उतना पसंद नहीं है, पसंद है, आई मीन मैं भी हफ्ते में दो बार तो पहनूंगा ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हफ्ते में सात दिन ही पहनूंगा। मुझे थोड़ा स्मार्ट कैजुअल लुक, मुझे थोड़े ड्रेस शूज ज़्यादा पसंद है, लेकिन ड्रेस शूज लेदर मानसून में पहनना मतलब तबाही है। क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो आपके जूते बहुत महंगे होने वाले हैं, और दूसरी बात बहुत जल्दी ख़राब होने वाले हैं, उसके रंग ही बदल जाने वाली है। और अगर आपको अपने जूते को थोड़े दिन के लिए टिकाना है तो फिर डोंट वेयर योर लेदर शूज ड्यूरिंग द मानसून। अब आप इसके बजाय इसके ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हो, आप चाहो तो प्यू लेदर या सिंथेटिक लेदर का लेदर शूज पहन सकते हो। अब चाहे वो मॉन्ग स्ट्रैप हो, बूट हो, ऑक्सफोर्ड हो या ब्रोग हो, पहले तो यार इतने ऑप्शंस होते नहीं थे, लेकिन आजकल बहुत सारे फैशन स्टोर्स हैं, बहुत सारे मॉल के बहुत सारे शू डिपार्टमेंट हैं जिनके बस प्यू लेदर या सिंथेटिक लेदर शूज ही होते हैं। अब मैं नहीं चाहूंगा कि आप इस शूज को मानसून के अलावा कभी भी पहने, क्योंकि इसमें वो चीप एक फेक लेदर का लुक दिखता है और ये उतना लॉन्ग लास्टिंग है भी नहीं। इस लेदर शू को आप, इस सिंथेटिक लेदर शू को आप बस मानसून के लिए ट्रीट करो, क्योंकि इस जूते का जो टॉप लेयर है, इस जूते का जो नकली चमड़े का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है, वो पानी से इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि इसमें चमड़ा कुछ है नहीं। हाँ, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान से यूज करना पड़ेगा, ये मतलब ये नहीं कि ये पहन के फुटबॉल खेलने चले गए, बी श्योर ऑफ दैट, बी अवेयर ऑफ दैट। लेकिन ये जूता अनलाइक योर लेदर शू काफी टाइम तक सस्टेन करेगा, काफी टाइम तक टिका रहेगा फॉर योर माइटी मानसून। लेकिन अगर आप ऐसे एक लड़के हो जिसको ऐसा सिंथेटिक फेक सा प्यू लेदर पहनना पसंद नहीं, अगर आपको जेन्युइन लेदर में ही इंटरेस्ट है, और अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है टू बाई अ वेरी गुड जेन्युइन लेदर शू टू योर लॉ ऑफिस और टू योर सीए ऑफिस और टू योर bank office, wherever you are, if you have the money, if you have the will, then you can invest, then you can buy some genuine leather shoes which are treated with a waterproofing element in it. Ji haan, aise bhi genuine leather shoes hain jo ek aise waterproofing treatment ke saath bante hain jisko aap chaho to monsoon mein ya rain mein bhi pehen sakte ho. Ab aise joote ke bare mein mujhe 2-3 saal pehle pata chala tha, lekin us samay India mein in shoes ke zyada variations se zyada variant nahi the. Aajkal to bhai aapko monk strap se leke चेल्सी बूट से लेके आप बोलो, आपको जो भी ड्रेस शू चाहिए ऐसे मटेरियल में आपको मिल जाएगा, हश पपीज, आल्डो, एंड आई थिंक इवन रूश इज मेकिंग सच शूज नाउ, ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं अपने लेदर में कि भाई उसको एक वाटरप्रूफिंग एलिमेंट के साथ ट्रीट करके बनाओ ताकि पानी में भी लोग ये पहन पाए और जूता खराब ना हो, जूते का रंग ना जाए और आपका पाँव भी बिल्कुल सूखा रहे। दिस इज़ वेयर द साइंसेज एंड आई लव इट फॉर वेयर इट इज़। मगर हाँ, ध्यान रहे ये जूते सस्ते नहीं होने वाले, ये काफ़ी महंगे होने वाले हैं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट जो होता है ये काफ़ी महंगा प्रोसेस है। चमड़ा इन जनरल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेदर इन जनरल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेदर कोई सस्ती चीज़ है नहीं, और उस लेदर को वाटरप्रूफ बनाने का ट्रीटमेंट भी ज़्यादा महंगा, उससे और भी ज़्यादा महंगा हो गया। हाँ, एक दो स्प्रे भी आते हैं ऐसे जो आप चाहो तो टेम्प्रेरीली फॉर द टाइम बींग अपने लेदर शू में स्प्रे करके जा सकते हो, उसको थोड़े टाइम के लिए उसको वाटरप्रूफ या वाटर रेजिस्टेंट बना देगी, बट दैट्स नॉट लॉन्ग टर्म, वो आपके शूज़ को ज़्यादा टाइम तक वाटरप्रूफ नहीं रखने वाले। अगर आपने अपने जेन्युइन लेदर के शूज़ जो वाटरप्रूफ नहीं है वो अगर बारिश में पहन भी लिया तो प्लीज़ उसके गीले होने के तुरंत बाद उसको निकालो, न्यूज़पेपर रोल फोल्ड करो, उसके अंदर डालो और उस जूते को सूखने दो। उस जूते को बाहर धूप में मत रखना, उसको ब्लो ड्राई मत करना, पेपर डाल के उसको सूखने दो, उसके बाद उसको मानसून तक मत पहनो, क्योंकि अब आपके पास ऐसे 5 शूज़ है जो आप चाहो तो मानसून में बिना सोच बेझिझक पहन सकते हो और अपने आप को, अपने आप का स्टाइल मेंटेन रख सकते हो। अगर आपको ऐसे मानसून वीडियोज़ और देखने, और अगर आपको शूज़ के रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियोज़ और देखने ऐसे ही, तो कमेंट करो, लिख के बताओ, बना लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आता हूँ, अपने शूज़ का थोड़ा ध्यान रखना, मिलता है आपको, ध्यान रखना, ख्याल रखना। जल में मेरा नाम है गुड़ाचार्य, बहुत बहुत छोटे बड़े देखने के लिए।